दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज के न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब कैडर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर तीसरे चरण की काउंसलिंग में MBBS सीटें आवंटित। तो यहाँ पर देखते हैं कि हरिद्वार के बताया गया कि 84 जो सीमित प्रदेश के कुल इसमें 232 सीटें हैं MBBS और BDS की खाली सीट। अब यहाँ पर देखते कि HNB मेडिकल विश्वविद्यालय ने रविवार देर शाम नीट UG की तीसरी चरण की जो स्टेट काउंसलिंग के तहत MBBS और BDS की जो सीटें हैं उसका आवंटन कर दी हैं। तीसरे चरण के लिए जो यहाँ पर SJRR मेडिकल कॉलेज के 15% यानी कि 11 सीटों को जो है यहाँ पर NRI कोटे के लिए जो है परिवर्तित करने की वजह से एक दिन के लिए जो है यहाँ पर रिजल्ट होल्ड किया गया था। और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज अभी जो है सरकार ही जो है चलाएगी और PPP मोड पर जो है स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है बताया गया है। तो अब यहाँ पर जो है तीसरी चरण की काउंसलिंग होने वाली है। अतिथि शिक्षक बोले मांगे नहीं मानी तो दिवाली नहीं मनाएंगे। तो गेस्ट शिक्षकों का यहाँ पर जो है आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आश्वासन के बावजूद उनकी मांगों पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे इनकी लंबित मांगों पर जो है कार्रवाई ना की तो अतिथि शिक्षक जो है दिवाली नहीं मनाएंगे। और उनकी मांगें चली हुई हैं जिसमें यहाँ पर उनका स्थायीकरण है, उनका जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिए उनके जो पद है सुरक्षित रखने को लेकर है, वेतन वृद्धि सहित जो है लंबित मांगों को लेकर जो है आश्वासन दिया था। 50 दिन के हो चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब यहाँ पर गेस्ट वाले फिर से मांग करने लग गए हैं। दिवाली पर जो है 3,500 उपनल कर्मियों को मिलेगा बोनस। तो बोनस मिलने वाले हैं उपनल को। और दिवाली के इस साल जो है ऊर्जा के तीन निगमों के 3,500 उपनल कर्मियों को अनुग्रह राशि के रूप में बोनस मिलेगा। और अभी तक जो है ऊर्जा निगम को छोड़ बाकी दोनों निगमों के कर्मचारियों को यह लाभ मिलता रहा है, तो पहली बार इसमें मिलने वाला है। और DA बहाली करने की मांग, तो इसमें DA बहाली करने की मांग भी यहाँ पर की गई है। और वही बात करें हम फिर अटका KV नंबर 2 के शिक्षकों के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन। तो यहाँ पर देखते हैं बीते 3 माह से शिक्षक और कर्मचारियों को नहीं मिल रहा यहाँ पर वेतन। तो यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 है आपका देहरादून में, वहाँ पर इनका शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है। उत्तराखंड में बताया गया है कि वर्ष 2030 तक जो है कृषि बागवानी शिक्षा स्वास्थ्य आदि विभिन्न सेक्टर में यहाँ पर 9 से लेकर 8 से लेकर 9 लाख रोजगार के नए जो अवसर हैं सृजन करने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए यहाँ पर जो है अफसरों ने बैठक की है और 2027 तक जो है राज्य में अपनी जो है GSDP जो है दुगुना करने का भी टारगेट रखा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और वहीं यहाँ पर सरकारी स्कूलों के 6 माही इम्तिहान की तारीख बदली। तो सरकारी स्कूलों की जो 6 माही का कार्यक्रम जो है संशोधित कर दिया गया है। धनतेरस और दिवाली की वजह से जो है इस कार्यक्रम को संशोधित कर दिया गया है। 29 और 30 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं को जो है अब यहाँ पर 4 और 5 नवंबर को कराया जाएगा। इसके लिए जो है AD माध्यमिक डॉक्टर मुकुल सती ने जो संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। और 29-30 को परीक्षा अब नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर छोटी दीपावली और धनतेरस की वजह से परीक्षा को जो है आगे बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं उत्तराखंड के मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल, इसमें यहाँ पर जो है बताया गया कि निम्न नियमानुसार जो है यहाँ पर अंकित सहायक अध्यापक LT के जो है नाम अंकित यहाँ पर उनकी तिथि रखे गए हैं। तो LT शिक्षकों को जो है उनके पद के हिसाब से यहाँ पर जो है पद स्थापना के करते हुए, और इनमें यहाँ पर कब से वो लोग जो है कहाँ पर मतलब कहाँ पर जो है अनुपस्थित चले हुए शिक्षकों के उनका विवरण दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं उनके पद पर जो है यहाँ पर कब से विद्यालय का नाम कहाँ पर है, कौन से विषय हैं और कब से इनकी अनुपस्थिति है वो लिखा गया है। तो लंबे समय से जो शिक्षक LT वाले यहाँ पर रुके हुए थे उनके नाम आ चुके हैं। और ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं सत्ता के भीतर जो है यहाँ पर कार्यालय मंडल अपर निदेशक ने कुमाऊँ जो मंडल है नैनीताल में उपस्थित हों और अपनी अनुपस्थिति के संबंध में जो है जो भी कारण है बताने के लिए कहा गया है। तो इतने सारे शिक्षक हैं जिसमें यहाँ पर अभी वर्तमान समय में कार्यरत मतलब कार्यरत तो है लेकिन ज्वाइन नहीं किया है लोग। तो यहाँ पर देखिए 2016 से 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2019 इतने लंबे समय से जो है स्कूल में नहीं आ रहे ये शिक्षक, ऐसा बताया गया है। अतिथि शिक्षकों ने यहाँ पर जो है लंबित मांगों को पूरा न करने पर और उसमें उठाई है मांग, सरकार से दीपावली से पहले मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। और वेतन जो है 40,000 रुपये किए जाने पर और साथ में पद सृजन किए जाए ऐसा पर इनकी मांग है।
और मांगें पूरी न होने पर जो है आंदोलन चेतावनी दी है। तो आंदोलन करने वाले हैं अब गेस्ट वाले। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता शिक्षा भर्ती निकली है, ऐसे में राज्य आंदोलनकारों को आरक्षण मिले, इसको लेकर आवाज उठाई है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप ने प्रवक्ता भर्ती में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को जो है 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को जो है अब इससे वंचित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी को जो है इस मामले में हस्तक्षेप करने का, यहाँ पर जो है मतलब कराने का हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को बताया संस्कार का महत्व, तो इस समय काफ़ी ज़्यादा संस्कार मतलब खो चुके हैं, तो उनको शिक्षक शिक्षकों को नई टेरी में जो है यहाँ पर शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को अपने संस्कार को लेकर जो है उनका महत्व बताया क्यों जरूरी है। संशोधित नियमावली में नॉन बीएड शिक्षक शामिल नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानाचार्य विभागीय परीक्षा नियमावली में संशोधन तो कर दिया शिक्षा यहाँ पर, लेकिन नॉन बीएड शिक्षकों को इस बार भी यहाँ पर नियमावली में शामिल नहीं किया गया है। तो लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती आपके लगभग 692 करीबन पद हैं जिन पर यहाँ पर होना है भर्ती प्रधानाचार्य के, और इनमें यहाँ पर जो है जो नियमावली है संशोधन कर दिया गया है, लेकिन इसमें नॉन बीएड को हटा दिया गया है, अभी भी इनको नॉन बीएड को नहीं रखा गया है। न्यायालय के बात को देखते हुए यहाँ पर शिक्षा विभाग ने इसमें संशोधन करने के निर्णय दिए थे, और शिक्षा निदेशालय ने यहाँ पर हाल ही में शासन को जो संशोधन प्रस्ताव भेजा है उनमें शिक्षक परीक्षार्थी की जो आयु है 50 से बढ़ाकर 55 वर्ष और LT से पदोन्नत प्रवक्ता को भी जो है 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष तक दी है, और साथ में यहाँ पर जो है बीएड की मान्यता भी दी है इसमें, तो बीएड का होना कंपल्सरी है ऐसा बताया गया है। संशोधन के बाद जो है अधिक LT पदोन्नत प्रवक्ता को मिलेगा मौका, तो यहाँ पर कहा है कि संशोधन के बाद जो है अधिक जो है LT पदोन्नत प्रवक्ता को मिलेगा फायदा, इसमें मौका बताया गया है। इसमें कहा है कि यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग ने LT मतलब सहायक अध्यापक LT से यहाँ पर जो प्रवक्ता पदोन्नत हुई है अधिक शिक्षकों को यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य जो परीक्षा है उसमें शामिल होने का वहाँ पर मौका मिल जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हरिद्वार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 613 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली है, और इन पदों पर जो है आवेदन कर सकते हैं 7 नवंबर तक का 21 से 42 वर्ष के आयु रखी गई है। AIASL में रोजगार के 156 पद निकाले गए हैं, और इसके वॉक इंटरव्यू है 23 से 28 अक्टूबर के बीच में। एम्स मंगलगिरी में रिक्तियों के पोस्ट निकाले गए हैं 63 पद पर, और 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं पदों पर। BHEL में निकाले गए हैं 263 पदों की भर्ती, 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NTPC लिमिटेड में 50 पद निकाले गए हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 31 पद निकाले गए हैं, 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। साथ ही अन्य पद देखते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक जो प्राधिकरण है यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं, इन पदों पर भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर 11 नवंबर तक का समय दिया हुआ है, और ऊपर वाले में 8 नवंबर तक का समय दिया हुआ है, तो इन पर जो है ट्रैक कर सकते हैं इन पदों के रिगार्डिंग। और लोक सेवा आयोग का जो है फॉर्म फिल करना शुरू हो चुका है, इन पर जरूर कर लें, ये आपका प्रवक्ता लेवल की भर्ती है आपके शिक्षकों की।